पढ़िए। ओके देखिए बच्चों, ये जो पाठ है वो विदेशी तथा प्रकाशित रूप है। ये पाठ जो दिया गया है, चैप्टर जो दिया गया है, चैप्टर 3, वो एक विदेशी कथा है, यानी विदेशी कहानी है। इसकी लेखक आना सिरेल है। कौन है? आना सिरेल। इस कहानी में मनुष्य और जानवर के मध्य अतः प्रेम को दर्शाया गया है, यानी इस कहानी में मनुष्य और जानवर के मध्य बीच में एक अथाह प्रेम दर्शाया गया है। पशु मूक होते हैं, यानी पशु बोल नहीं सकते, फिर भी बच्चों उनमें भावनाएं होती हैं और वो भावनाशील होते हैं। जिस प्रकार से जब मैंने धरती पर आँख खोली तो मुझे मेरी माँ के साथ साथ अपने मालिक का भी प्यार मिला, यानी जब देखिए यहाँ पर श्यामा एक घोड़ी का नाम दिया गया है। उस श्यामा की जब माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया तब उसने उस बच्चे ने अपनी माँ के साथ साथ अपने मालिक का भी प्यार पाया। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे प्यार से गोद में उठा लिया। इसमें मालिक ने मेरी बिटिया श्यामा, यानी उस मालिक ने उस घोड़ी के बच्चे को श्यामा नाम दिया। क्यों दिया? क्योंकि वह काली घोड़ी थी, काली बच्चे काला बच्चा था। ओके, घोड़े घोड़ी का काला बच्चा, इसका नाम मालिक ने श्यामा दिया। उस दिन से सब मुझे श्यामा कहकर पुकारने लगे। इसके बाद हरे भरे घास के मैदानों में मैं दिन भर माँ के पीछे पीछे घूमती फिरती। जब मैं माँ के साथ हरे भरे मैदानों में जाती तो माँ के पीछे पीछे घूमती और चारों तरफ अपने साथियों के साथ खेला करती और माँ का दूध पीती। इसके बाद जब माँ को देखती कि माँ घास खा रही तो मैं भी घास खाने की कोशिश करती, मगर मैं घास ना खा पाती क्योंकि मैं एक बहुत छोटी घोड़ी थी, यानी घोड़ी का बच्चा। ओके, इसी तरह उस घोड़ी के बच्चे ने बहुत ही इष्टतम कठिनाई की जिंदगी उसके उसने जी। और क्या हुआ एक दिन कि उसको बेच दिया गया। जब उसको बेच दिया गया तो वो दूसरे मालिक के घर पहुंची और माँ से बिछड़ गई। उसे माँ से बिछड़ने का बहुत ही कष्ट हुआ बेटा। और इसी तरह वहां जहाँ गई वहां पर उसने बहुत ही अच्छा व्यवहार देखा अपने मालिक का और वहां वह माँ को भूल गई। इसके बाद शायद हम मालिक की जान नहीं बचा पाते अगर वह वो अपने मालिक के प्रति बहुत ही सद्भावना और प्रेम का व्यवहार करती थी। जो भी मालिक कहता था उसके प्रति वह बहुत ही लगाव रखती थी। इसके बाद एक राबिन नाम का जो मालिक था उसको उसने खरीदा और राबिन ने उसको बहुत मारा। मारने के बाद जब वह मार खाने लगी तब उसको अपने मालिक की याद आएगी। वो मालिक जो थे वो हमको बहुत प्यार करते थे और उस राबिन ने क्या किया उसको बाजार में बेच दिया। जब बाजार में बेचा तो वही मालिक जो पहले जान नाम का मालिक था उसने देखा कि ये तो वही श्यामा है जो मेरे यहाँ रहती थी। ओके, तो उसने क्या किया उस श्यामा को उसने खरीद लिया और श्यामा भी बहुत खुश हो गई अपने मालिक को देख करके। श्यामा मैं जो हूँ पहचाना मुझे, वह बोला मुझे नन्हा जो याद आ गया। तभी बूढ़ा जान भी बाहर आ गया, वह भाग कर मुझसे निपट गया। ओह मैं तो अपने घर आ गई, मैं बहुत खुश थी। यानी पहले वाले मालिक के पास जान के पास हो, जॉन के पास पहुँचने के बाद वह बहुत खुश हो गए। इसीलिए बच्चों हम जानवरों से बहुत ही लगाव रखते हैं क्योंकि जानवर बोल नहीं पाते, बोल नहीं सकते हैं, मुंह होते हैं और उनके अंदर मेरे जैसी भावनाएं होती हैं, यानी वो दर्द भी सहते हैं, उनको हीन भावना भी होती है, खुशी भी होती है। जितनी प्रकार की भावनाएं मेरे अंदर होती हैं उतनी प्रकार की भावनाएं जानवरों के अंदर होती हैं। इसीलिए बच्चों हमें जानवरों से अधिक लगाव रखना चाहिए और उनकी जो भावनाएं होती हैं उन भावनाओं को समझना चाहिए। वो इंसान जरूर नहीं होते मगर जितनी भावनाएं इंसानों के अंदर होती हैं उतनी भावनाएं जानवरों के अंदर होती हैं। इस तरह ये आपका चैप्टर बच्चों समाप्त।